वेलकम टू सिलेक्शन आई क्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और बिटकॉइन को किसने और कब बनाया था। सो बिटकॉइन से संबंधित क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते रहे हैं। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा बना दिया है, मीन्स लीगल टेंडर बना दिया है। राष्ट्रपति नायब बुकेले के इस प्रस्ताव को वहाँ की विधायिका ने, कांग्रेस ने 84 संभावित वोटों में से 62 के साथ मंजूरी दे दी है। बिटकॉइन 90 दिनों में अमेरिकी डॉलर के साथ अल सल्वाडोर में वैध मुद्रा बन जाएगा। अल सल्वाडोर आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में वर्गीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नए कानून के मुताबिक अब वहाँ के हर व्यवसाय को वस्तु या सेवाओं के लिए बिटकॉइन को स्वीकार करना जरूरी हो गया है। इस कदम से विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर के लोगों के लिए पैसा घर भेजना आसान हो जाएगा। अल सल्वाडोर की अर्थव्यवस्था रेमिटेंसेज या विदेशों के से घर भेजे गए धन पर अधिक निर्भर करती है। रेमिटेंसेज से अल सल्वाडोर के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% हिस्सा आता है। लगभग 2 मिलियन से अधिक लोग सल्वाडोर देश के बाहर रहते हैं, जो प्रत्येक वर्ष लगभग $4 बिलियन से अधिक रेमिटेंसेज के रूप में घर वापस भेजते हैं। एल सल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित एक सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। इसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती हैं। राजधानी सान सल्वाडोर देश का सबसे महत्वपूर्ण महानगर है। एल सल्वाडोर ने अपनी मुद्रा कोलोन को खत्म कर वर्ष 2001 में अमेरिकी डॉलर को अपना लिया था। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसीज होते हैं रुपी, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसीज के से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही उसे पैसे की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोतो ने 2009 में किया था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं है। जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बैंक्स के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं और हमारे किए गए हर ट्रांजेक्शन्स का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहां और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजेक्शन्स एक पब्लिक लेजर मीन्स खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। सो पब्लिक लेजर को जहाँ पे रिकॉर्ड होकर रहता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स स्टोर होकर रहते हैं और वहीं ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजेक्शन्स हुआ है या नहीं। सो अल सल्वाडोर ने वैध मुद्रा के रूप में बिटकॉइन को अपना लिया है। सो यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट सिलेक्शन आई क्यू फॉर क्वालिटी कंटेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।